हेलो दोस्तों, मैं हूं बीना और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कुकिंग रिलेटेड किचन टिप्स जो आपके खाने के स्वाद को और बढ़ा देंगे और वेस्ट में से बेस्ट रेसिपी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 जो मेरी बचे हुए ब्रेड को लेकर है, तो अक्सर जब हम गार्लिक ब्रेड या कुछ भी घर पे बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, तो उसकी जो ब्रेड की साइड्स होती हैं उसे हम फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब को हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। फिर हमें वेजिटेबल काट लेना है, टमाटर, शिमला मिर्च, ऑनियन और एक तीखी हुई हरी मिर्च। तो इसमें अब हम जो ब्रेड क्रम्ब का हमने पाउडर बना के रखा था उसमें हम ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों, ये भी जो नाश्ता है वो बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ब्रेड क्रम्ब बिल्कुल भी ना फेंकिए, इसका नाश्ता बनाइए अच्छा सा। 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूजी, उसके बाद मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हम छाछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दही का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैटर बना के हमें आधा घंटा रख देना है सेट होने के लिए। उसके बाद हम इसके अप्पे बनाएंगे। तो बैटर को 15 मिनट हो चुके हैं, बैटर एकदम से सेट हो चुका है। तो चलिए इसके अप्पे बनाते हैं। तो हमें अप्पे पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देना है और जो बैटर हमने बना के रखा है उसमें हमें 1-1 चम्मच डाल देना है। 5 मिनट तक इसे हमें ढककर पका लेना है। तो 5 से 10 मिनट में हमारा नाश्ता एकदम से रेडी हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारे बचे हुए ब्रेड के अप्पे तैयार हैं और खाने में भी ये बहुत ही यमी लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है मेरी किचन टिप्स? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। टिप नंबर 2 जो मेरी डोसा के बैटर को लेकर है, अक्सर जब हम घर पर डोसा बनाते हैं तो करीबन हम 12 घंटे उसे दाल को भिगो के रखते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 से 4 घंटे दाल को भिगो के रखना है, दाल और चावल उसे पीस के 3-4 घंटे हमें कड़ी धूप में बैटर को रख देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 4 घंटे यहाँ पर बैटर को धूप में रख दिया था। तो इसका जो बैटर है एकदम से फूल चुका है। अब ये डोसा बनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो अब आपको ओवरनाइट दाल चावल भिगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 7 से 8 घंटे में डोसा के बैटर को रेडी कर सकते हैं और यही बैटर से एकदम ही क्रिस्पी डोसा बन सकते हैं। बस बैटर में थोड़ा सा पानी मिला लें और उसके बाद इसके आप डोसे बनाएं तो बिल्कुल ही जैसे आप ओवरनाइट भिगो के रखते हैं उसी टाइप इसके डोसे बनेंगे और टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट बनेंगे और एकदम से क्रिस्पी बनेंगे। मैं आपको इसका एक डोसा बना के दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये डोसा कितना क्रिस्पी बना है, अपने आप ही ये तवे से अलग हो रहा है और हाथ में लेने से भी ये टूट रहा है। तो ये टिप्स आप ज़रूर से आजमाइएगा। टिप नंबर 3 जो मेरी कच्चे आम को लेकर है, तो जब भी सीजन आती है कैरियों की तो कच्चे आम हमें 4 महीने तक ही खाने मिलते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे साल भर कच्चे आम का मज़ा ले पाएंगे। तो हमें कच्चे आम को साल भर के लिए कैसे स्टोर करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमें पहले केरी को अच्छे से छील के उसकी हमें पतली पतली स्लाइसेस कर लेनी है। यहाँ पर करीबन मैंने 4 आम लिए हुए हैं, उसमें हमें स्लाइसेस करके नमक डाल देना है। नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। इसे हमें पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नमक भी बिल्कुल पानी में से नहीं निकालना है। इसी केरियों में नमक डाल के 3 से 4 दिन तक हमें इसे कड़ी से कड़ी धूप में सुखा देना है। तो आपके घर में जहाँ कहीं भी धूप आती हो दोस्तों, वहाँ पर आप इसे सुखा दें। सूखने के बाद ये एकदम से सूख जाए तो उसे आप एक बर्नी में स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। आप इसका आम पन्ना या कच्चे आम से बनी हर कोई चीज़ बना सकते हैं। टिप नंबर 4 जो मेरी बटर को लेकर है, अक्सर जब हम घर पर बटर बनाते हैं तो कई बार क्या है कि हमारा बटर यूज़ नहीं होता है और वो घर पर बिगड़ जाता है।
तो ये वीडियो देखने के बाद आप बचे हुए बटर को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। अगर यूज़ नहीं होता हो तो आपको क्या करना है, इसका वापस से घी बना डालना है। तो फ्रिज से आप 10 से 15 मिनट पहले बटर को निकाल लें और फिर इसका घी बना दें, तो घी आपका बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, ये तो सभी को मालूम है। तो बटर आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, आपके रुपए भी नहीं बिगड़ेंगे। और जब कभी आपका बाज़ार से भी लिया हुआ बटर होना तो उसे भी आप इसी तरह मेल्ट करके घी बना डालें, और घी को आप हर कोई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बटर का घी मैंने बनाया है, बिल्कुल घर के जैसा घी बना है। तो ये वीडियो देखकर आप बिल्कुल भी बटर को फेंकेंगे नहीं, आप इसका घी बनाइए। तो ये टिप्स आप ज़रूर से आजमाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। टिप नंबर 5, जो मेरी गार्लिक ब्रेड को लेकर है। जब भी हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो लहसुन को हम कूट के गार्लिक ब्रेड पे स्प्रेड करते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, चॉपर में लहसुन को चॉप कर लेना है। अगर चॉप किया हुआ लहसुन आप ब्रेड पे लगाएंगे तो वो जो गार्लिक ब्रेड है वो एकदम से मार्केट जैसी बनेगी। दोस्तों ये वीडियो आप देखकर एक बार ज़रूर से गार्लिक ब्रेड घर पर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी बनती है, प्योर लहसुन का ही टेस्ट आता है। और कद्दूकस करने से अच्छा आप इसे चॉपर में ही चॉप कर ले, तो आपका टाइम भी बचेगा और ये झटपट बन जाएगा और आपके खाने के स्वाद को और भी ये बढ़ा देगा। एक बार ये टिप्स आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। टिप नंबर 6, जो मेरी कढ़ी को लेकर है। दोस्तों अक्सर जब हम घर पर कढ़ी बनाते हैं, बेसन और दही की कढ़ी बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि दही से हम कढ़ी बनाते हैं तो वो फट जाने का डर रहता है, तो कई बार हमारी कढ़ी जो है वो फट जाती है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, कढ़ी को तड़का लगाने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से उबलने देना है, उसके बाद ही इसमें नमक को ऐड करना है, क्योंकि दही में दूध का भाग होता है तो वो नमक डालने से फट जाती है जब हम इसे उबालते हैं। तो हमें लास्ट में ही नमक ऐड करना है, ऐसा करने से आपकी कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी और टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट बनेगी। तो दोस्तों ये टिप्स आप ज़रूर से आजमाइएगा। टिप नंबर 7, जो मेरी दाल को लेकर है। अक्सर जब हम घर पर दाल बनाते हैं तो उसका दुगना स्वाद बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, एक कप हमें कुकर में दाल डाल देनी है, पानी डाल देना है, और उसके बाद हमें इसमें नमक भी ऐड कर देना है और हल्दी भी ऐड कर देनी है। उससे क्या है कि आपकी दाल का टेस्ट एकदम से बढ़ जाएगा और उसका कलर भी एकदम से येलो आएगा। ये टिप्स आजमाने के बाद आपकी दाल एकदम से स्वादिष्ट बनेगी और पकने में भी बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप ये टिप्स ज़रूर से आजमाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को देख पाएँ। टिप नंबर 8, जो मेरी आम की गुठलियों को लेकर है। सर जब हम आम मंगवाते हैं तो उसकी गुठलियों को फेंक देते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है कि आम की गुठलियों को अच्छे से धोकर उसे 8 से 10 दिन धूप में सुखा देना है, उसके बाद हमें इसे कुकर में डाल के बॉयल कर लेना है, और उसमें से जो गुठलियाँ निकलती हैं उसे निकाल के हमें उसको वापस से नमक डाल के 2-5 मिनट तक बॉईल कर देना है, और फिर उसके टुकड़े करके एक चम्मच घी में हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो आपका इंस्टेंट गुठलियों का मुखवास बन जाएगा। तो आप गुठलियों को बिल्कुल भी ना फेंके, इसे यूज़ में ले, बहुत ही अच्छा मुखवास बनता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।